आइए आज हम आनापान सति का ध्यान करेंगे। आनापान की साधना का अभ्यास करेंगे। पालथी मार के बैठ जाएं, आराम से जिस आसन में आप आराम से बैठ सकते हैं उसी आसन में बैठ जाएं। कमर गर्दन सीधी रखेंगे, आंखें बंदी रखें। ध्यान के समय हमेशा आंखें बंद ही रहनी चाहिए। आंखें खुलेंगी तो मन भटक जाएगा, तो आंखें बंद ही रखें। जो लोग चश्मा लगाते हैं वो चश्मा उतार के ध्यान करेंगे। मुंह भी बंद रखेंगे, सांस मुख से नहीं लेना है, नासिका से सांस लेना है। तो सारा ध्यान नासिका के द्वारों पर लगा के रखें, सारा ध्यान नासिका के द्वारों पर केंद्रित करके ये जानते रहें सांस भीतर आ रहा है तो आ रहा है, सांस बाहर जा रहा है तो जा रहा है, यही जानना है। बस इसे जानते रहें, निरंतरता से जानते रहें। बड़े ध्यान से इसे जानते रहें, सांस बाई नासिका से गुजर रहा है या दाहिनी नासिका से गुजर रहा है या दोनों नासिकाओं से गुजर रहा है। बड़े ध्यान से उसे जाने। उसे बदलने की कोशिश न करें। बायां है तो बायां है, दाहिना है तो दाहिना है। केवल जानना ही है। सांस लंबा है तो लंबा है, छोटा है तो छोटा है। उसे भी बदलने की कोशिश नहीं करें। केवल जानना है। ये सांस आया, ये सांस गया, ये सांस आया, ये सांस गया। सांस से सांस पर मन लगा रहे, सांस से सांस पर मन लगा रहे। मन भटके तो उसे फिर सांस पर ले आए, भटकने ही न दें। पर अगर भटक जाए तो उसे फिर अपने स्वाभाविक सांस पर ले आए।
मन को नाक के दरवाजे पर लगाए रखें। बड़ी दृढ़ता पूर्वक लगाए रखें। एक पहरेदार की तरह, एक द्वारपाल की तरह खूब सजग, खूब सचेत। एक भी सांस बिना जानकारी के भीतर आने न पाए, एक भी सांस बिना जानकारी के बाहर जाने न पाए। एक एक सांस पर पहरा लगा रहे। एक एक सांस की पहरेदारी होती रहे। नासिका के द्वारों से गुजरते हुए सांस को जाने, आते हुए सांस को आता हुआ जाने, जाते हुए सांस को जाता हुआ जाने। एक एक सांस की जानकारी बनी रहे। एक एक सांस की पूरी जानकारी बनी रहे। सांस के आरंभ से लेकर अंत तक पूरे सांस की साफ साफ जानकारी बनी रहे। भीतर आने वाला सांस आरंभ हुआ तो जान रहे हैं आरंभ हुआ, भीतर आ रहा है अब भीतर आना बंद हुआ तो भीतर आने वाले सांस की पूरी लंबाई जान लें, आरंभ से लेकर अंत तक। यूं ही बाहर जाने वाला सांस आरंभ हुआ, बाहर जा रहा है, जा रहा है, अब बाहर जाना बंद हुआ तो बाहर जाने वाले सांस की भी पूरी लंबाई पूरी तरह से जान ली, बली बांति जान ली। यो एक एक सांस बहुत साफ साफ मालूम होना चाहिए, आरंभ से लेकर अंत तक बहुत साफ साफ मालूम हो। ये भीतर आने वाला सांस, ये बाहर जाने वाला सांस जैसा भी है उसे बदलने की कोशिश नहीं करें, जैसा भी है उसे जानना है, केवल जानना है।
मन को दृढ़ रखना है, भटकने न पाए, केवल सांस का ही आलंबन, पूरे सांस को जानने का काम करना है। मन भटकने लगे तो तुरंत उसे रोक ले, भटक गया तो तुरंत वापस ले आए। सांस ही सांस, केवल सांस, केवल सांस। भीतर आने वाला सांस के बाहर जाने वाला सांस, पूरे सांस की जानकारी बनी रही। ये आरंभ हुआ और ये अंत हुआ, यूं एक एक सांस की पूरी पूरी जानकारी। बीच में अगर मन भटक जाए तो कोई चिंता नहीं, उसे फिर से अपने नैसर्गिक सांस पर ले आए। मन का स्वभाव है वो बीच बीच में यहां वहां भटक जाएगा, उससे निराश नहीं होना है, ये उसका स्वभाव है, ऐसा समझकर उसे फिर से अपने नैसर्गिक सांस पर टिकाए रखें। मन में ये संकल्प लें कि सांस के ऊपर पूरा पूरा ध्यान टिकाए रखेंगे। हवा का जो स्पर्श सांस लेने और छोड़ने में कहाँ महसूस होता है, उसको जानने का प्रयास करेंगे। नासिका के भीतर की दीवारों पर कि नासिका के बाहर के छल्लों पर के ऊपर वाले होंठ पे, मूंछों के स्थान पर सांस कहाँ छू रहा है, उसको जानने का प्रयास करेंगे। हवा का जो स्पर्श नासिका के मार्ग पर हो रहा है, उसको जरा और गहराई से देखेंगे। तो उसके तापमान में फर्क हमें महसूस हो सकता है। जो सांस अंदर जा रही है उसका तापमान थोड़ा ठंडा है, और जो सांस बाहर आ रहा है उसके तापमान में थोड़ा फर्क है, थोड़ा उष्ण होके गर्मा के हवा बाहर आती है, सूक्ष्म फर्क है, लेकिन गहराई से इसे जानेंगे तो ये हवा के तापमान का फर्क आपको शायद अनुभव हो सके।
नहीं होता है तो कोई घबराने की बात नहीं। जैसे जैसे अभ्यास होगा, जैसे जैसे रोज अभ्यास करते जाएंगे, ये तापमान का फर्क आपको अवश्य ही महसूस होने लगेगा। मन को नासिका के दरवाजों पर लगाए रखना है, पूरी तरह सजग होके सांस की पहरेदारी करनी है। इस सांस के साथ कोई शब्द, कोई मंत्र, कोई आकृति जोड़नी नहीं है, शुद्ध सांस का काम करना है, शुद्ध सांस का काम। ये सांस आया, ये सांस गया, इसी की ओर पूरा ध्यान, अन्य किसी भी प्रकार का कोई विचार मन में आने न दे, और अगर आ भी जाए तो उसको तटस्थ भाव से देखना है। अपने आप वो विचार चला जाएगा और अपना मन फिर से सांस के ऊपर लगा रहेगा। ये मन का स्वभाव भटकने का सदियों का है, जन्मों का है, इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी प्रयास करेंगे, उसको आदत डालेंगे तो धीरे धीरे उसकी पुरानी आदत भटकने की कम हो जाएगी और अपने आप वो सांस के ऊपर टिका रहेगा। शुरुआत में प्रयत्न करना पड़ेगा, लेकिन जैसे जैसे अभ्यास करते जाएंगे, अगर बीच में मन भटकता है तो अपने आप जैसे ही हमें समझा कि मन भटक गया, वैसे ही वो अपने आप सांस के ऊपर आ जाता है। कभी सांस का स्पर्श बाई नासिका पे होगा, कभी दाहिनी नासिका पे होगा, या फिर कभी कभी दोनों नासिकाओं से आपको हवा का स्पर्श अनुभव होगा। जैसा है नैसर्गिक वैसा उसे चलने दें। अगर कुछ भी अनुभव न होता हो तो जो चार सांस गहरी ले लें तो फिर से हवा का स्पर्श नासिकाओं के द्वारों पर आपको होने लगेगा। मन को स्थिर रखने का प्रयास, सांस की तरफ पूरा मन स्थिर है, अन्य कोई जानकारी उसे नहीं हो रही, सिर्फ सांस की ही जानकारी।
ये सांस आया, ये सांस गया, ये सांस आया, ये सांस गया, पूरी तरह से मन सांस पर एकाग्र। फिर से अगर मन भटक गया तो उसे फिर से खींच कर सांस पर ले आए। भटकने ही न दे, लेकिन फिर भी बीच बीच में अवश्य भटकेगा, उसे वापस अपने सांस पर लेकर आए। पूरे सांस की जानकारी, पूरे सांस की जानकारी,
पूरा मन अपने सांस के ऊपर ही लगा के रखा है। एक एक सांस की पहरेदारी होती रहे, एक एक सांस पर पहरा बना रहे। खूब सजग, खूब सचेत, खूब सावधान, सावधान, सावधान। अपने ही सांस के प्रति सावधान, सांस के आवागमन के प्रति सावधान। आनापान
कि साधना का अभ्यास पूर्ण हुआ। थोड़ी देर आंखें बंद ही रखेंगे। अब धीरे से दोनों हाथों को आंखों के ऊपर रखें और बंद हाथों के अंदर ही आंखें खोलें।